ये एक नेगेटिव नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती है जिसे अपडेट के थ्रू तुरंत फिक्स करना चाहिए। टाटा ने अपनी कर्व को लॉन्च कर दिया है बट करंटली ईवी वर्जन को ही लॉन्च किया है। पूरे यूट्यूब के ऑटो सेक्शन में बस आपको कर्व की ही तारीफें मिलेंगी। मतलब सच में ऐसा लग रहा है कि टाटा ने कुछ ज्यादा ही मार्वलस काम कर दिया हो। अब देखा जाए तो जिस डिजाइन के लिए आपको मिनिमम 1 करोड़ देने पड़ जाते थे वो सेम डिजाइन या फिर उससे इंस्पिरेशन लिया हुआ डिजाइन आपको टाटा सिर्फ 17.49 लाख के स्टार्टिंग प्राइस में दे रही है। तो इस फैक्ट के लिए तो टाटा को पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब डिजाइन को भी अगर साइड रखकर देखें तो टाटा ने इसमें इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं कि किसी किसी मामले में तो इसके कोरियन राइवल्स भी शर्मा जाएं। बट क्या सब कुछ इतना सही सच में है जितना दिख रहा है या फिर जितना दिखाया जा रहा है? मतलब क्या सच में टाटा कर्व एक ऐसी कार है जिस पर आप अपने 19 से 23 लाख रुपए आंख बंद करके लगा सकते हैं? तो इसमें मेरा सीधा सीधा जवाब होगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज शुभम एट ऑटो सर्विस एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फ्रॉम ऑटो ग्रो इंडिया। और आज भीड़ से थोड़ा साइड होके मैं आपको टाटा कर्व ईवी के 8 नेगेटिव्स बताऊंगा जिन पर टाटा को तो ध्यान देना ही चाहिए बट एज अ कंज्यूमर आपको भी ये पता होने चाहिए। इनमें से एक दो थोड़ा हजार्डियस भी हैं सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से, और कुछ एक नेगेटिव्स कर्व ईवी के लिए ही लिमिटेड होंगे और कुछ दोनों वर्जन्स के लिए, जिनको मैं अकॉर्डिंगली स्टेट कर दूंगा। अब शुरू करते हैं विद द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, फेमिलियर डिजाइन। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब भी किसी कार का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च किया जाता है या फिर नया प्लेटफॉर्म लाया जाता है तो कुछ चेंज हो या ना हो बट डिजाइन या ओवरऑल लुक्स में आपको चेंजेस देखने को मिल ही जाते हैं। बट कर्व ईवी की बात की जाए तो आप लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे कि ये फ्रंट से कौन सी कार है, नेक्सॉन है, पंच है या कर्व है। डिस्पाइट हैविंग अ न्यू प्लेटफॉर्म, ये फ्रंट से हुबहू नेक्सॉन ईवी जैसी ही लगती है। अब जब आप नेक्सॉन से एक सेगमेंट की ऊपर की कार ले रहे हो वो भी लाखों रुपए एक्स्ट्रा देकर, तो एज अ ओनर आप नहीं चाहोगे कि लोग आपकी कर्व ईवी को नेक्सॉन ईवी ही समझ बैठे या फिर आप बोलोगे साइड से देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। बट फिर भी लोग इसे बड़ी टिगोरी बोलेंगे। माल फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जोक्स असाइड अगर आपको पहला नेगेटिव उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा तो ये सुन लेते हैं एक बार। गाइस, टाटा और क्वालिटी की पुरानी लव स्टोरी रही है जो कि कभी पूरी नहीं हो पाई। टाटा ने एक से एक नई डिजाइन लैंग्वेज को तो फॉलो किया बट शायद बेसिक क्वालिटी कंट्रोल के बारे में नहीं सोचा। अब डिलीवरी के बाद की तो छोड़ो, अनवील करने के दिन कार में एक साइड के DRL काम ही नहीं कर रहे थे बट हमने सोचा मे बी बैटरी डेड हो गई होगी। बट इवन रिव्यू वाले दिन भी ये सेम प्रॉब्लम बहुत सारी यूनिट्स में देखी गई। अब DRL का ना जलना भी नॉर्मल मान लेते हैं, मे बी अपडेट से सही हो जाए। बट इस कार का चार्जिंग फ्लैप जो कि टाटा के लोगो में है वो अपने आप खुलता है और बंद होता है, और वो भी तब जब गाड़ी मोशन में हो। अब एज एन ओनर क्या आप ये सारे इश्यूज अपनी 22 से 23 लाख की कार से एक्सपेक्ट करोगे? कमेंट जरूर करना। इस पेश इश्यूज, अब कर्व की प्राइसिंग या फिर पोजीशनिंग जो भी देख लो ये नेक्सॉन के ऊपर ही आती है। आप टेक्निकली बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं एज कम्पेयर टू नेक्सॉन, और इसके ऑलमोस्ट डायमेंशंस भी नेक्सॉन से ज्यादा ही हैं। बट इस कार के रियर सीट्स में आपको नेक्सॉन जितना या फिर किसी मामले में उससे भी कम स्पेस ही मिलता है। अब सोचो अगर क्रेटा या सेल्टोस से कम्पेयर करते तब तो काफी ज्यादा ही डिफरेंस बन जाता। मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि कूपे डिजाइन को बस बूट स्पेस बढ़ाने के लिए यूज किया गया हो। फिट एंड फिनिश, अब टाटा की कार हो और फिट एंड फिनिश में दिक्कत ही ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हर एक लॉन्च के साथ हमें ये लगता है कि मे बी नेक्स्ट लॉन्च में टाटा की कार्स की क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश इंप्रूव हो जाएगी। बट टाटा काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है इस पार्ट में कि हम फिट एंड फिनिश नहीं सुधारने वाले, भले ही गाड़ी में इनकंसिस्टेंसी की भरमार हुई पड़ी हो। पूरे कार में आपको भर भर के पैनल गैप्स और इनकंसिस्टेंसी मिल जाएगी। इवन एक मारुति के एंट्री लेवल अल्टो में भी आपको ये दिक्कत उतनी होती हुई नहीं दिखेगी, बट इस 23 लाख की कार में आपको ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। कोई भी प्लास्टिक पार्ट इंटीरियर में क्रिकिंग साउंड देता है जो कि आप इस कार के प्राइस में किसी दूसरी कार में फील नहीं करोगे अंटिल वो टाटा की कार ना हो। फंक्शनैलिटी इश्यूज, अब शुरू में हमने माल फंक्शन की बात की थी, सेम स्टोरी इंटीरियर में भी कंटिन्यू होती है। इसके AC कंट्रोल्स और बाकी के कुछ एक कंट्रोल्स टच में दिए गए हैं जो कि इसको काफी ज्यादा फ्लिमजी बना देते हैं यूज करने में। आप हजार्ड लाइट ऑन कर रहे हो तो उधर AC का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और AC में ऐसी AI टेक्नोलॉजी डाली है टाटा ने कि ये आपका माइंड भी पढ़ सकती है और इसीलिए खुद ब खुद टेम्परेचर भी कम ज्यादा कर लेता है। और ये सेम इश्यू नेक्सॉन में भी था जो कि इसमें भी कंटिन्यू कर दिया गया है। गाइस, कार में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं, एकदम फीचर रिच, ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। बट दिक्कत ये है इन फीचर्स को यूज करने के लिए स्क्रीन को भी ऑन रखना होगा, और टाटा की जितनी भी रिसेंट कार्स हैं उसमें ये स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाती है और आपको बीच ट्रैफिक में गाड़ी बंद करके ऑन करना पड़ेगा इन्हें स्टार्ट करने के लिए। अब सोचो इतने पैसे लगाने के बाद भी आपको ये सब फेस करना पड़े।
अ मेजर सेफ्टी कंसर्न। अब ये इशू ईवी स्पेसिफिक है सिंस कर्व ईवी एक नए प्लेटफॉर्म पर बनी है जिसमें पंच ईवी भी आती है, तो दोनों में ये कॉमन है जो कि इसकी चार्जिंग सॉकेट है जिसकी प्लेसमेंट लोगों के अंदर मिल जाती है। अब इनकेस ऑफ एक्सीडेंट जिसमें इम्पैक्ट फ्रंट में हो तब आप अपना चार्जिंग सॉकेट कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि इट्स इलेक्ट्रिक और इम्पैक्ट अगर ज्यादा फोर्स में हुआ तो पूरा चार्जिंग सिस्टम ही बिगड़ सकता है और आपको एक काफी बड़ा एक्सपेंस दे सकता है। और इनकेस इम्पैक्ट के वक्त आपकी ईवी का चार्ज कम हो तो आप उसको चार्ज भी नहीं कर सकते और आप टेक्निकली फंसे ही रह जाओगे। स्लो चार्जिंग। अब टाटा ने लॉन्च में तो बोल दिया था कि कार में बड़ी बैटरी आ जाती है और आप इसे 70 किलोवाट वाले चार्जर से 10-80% 40 मिनट्स में ही कर सकते हो, बट 70 किलोवाट के चार्जिंग स्टेशंस उतने ही हैं इंडिया में जितने सिट्रोएन की गाड़ियां। गजब बेइज्जती है। अब टाटा जो चार्जर आपको इंक्लूडिंग देगा उस चार्जर से आपको पूरे 7.9 आवर्स लग जाएंगे इसको चार्ज करने में, वो भी एसी फास्ट चार्जर से जो आप अपने पार्किंग में या फिर गैराज में लगवाओगे। अब इन केस आप इसे घर में चार्ज करना चाहते हैं या फिर किसी होटल की पार्किंग वगैरह में किसी 15 एम्पीयर वाले चार्जर से तो ये पूरे 21 घंटे ले लेगी। अब हर जगह आपको एसी फास्ट चार्जिंग तो मिलने से रही। वंस अगेन ये इशू ईवी स्पेसिफिक है, अगर आप आईसीई इंजन लोगे तो ये सब आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। स्मॉल निगल्स। अब सारे मेजर इश्यूज या फिर नेगेटिव तो कवर हो गए पर कुछ छोटे मोटे इश्यूज भी हैं जिससे उतना फर्क तो नहीं पड़ता बट आपको पता होने चाहिए। फ्रंट के अंदर आपको कोई भी कप होल्डर नहीं मिलते और यूटिलिटी स्पेस भी काफी कम है। कप होल्डर्स आते भी हैं तो ग्लव बॉक्स में आते हैं। कार के सेक्सी डिजाइन की वजह से पीछे के ग्लास को भी छोटा रख दिया गया है जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। अब लास्टली ये टाटा का मोस्ट पावरफुल इंजन है ईवी के अंदर बट काफी कम प्राइस में। आने वाली XUV 400 जो कि काफी पहले आई थी उसमें आपको कर्व ईवी से ज्यादा टॉर्क मिल जाता है जो कि ईवी के केस में ज्यादा सेंसिबल है। गाइस ये थे टाटा कर्व के सारे नेगेटिव्स और कुछ एक ईवी स्पेसिफिक भी। अब ये सारे इश्यूज इसको एक खराब चॉइस किसी भी एंगल से नहीं बनाते बट अगर आप इन सब के साथ मैनेज कर पाओ तो। नाउ इन केस आप किसी भी पॉइंट से एग्री नहीं करते या फिर आपके पास कुछ और भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो हमें जरूर बताइएगा जिसे हम आने वाली अपनी नेक्स्ट पॉजिटिव वाली वीडियो में एड्रेस जरूर करेंगे। एंड अगर आपको ये थोड़ी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि क्या 22-23 लाख एक ऐसी कार में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिसमें आपको इतने सारे इश्यूज फेस करने को मिले।